पुलिस व ड्रग विभाग को जब सूचना मिली कि एक घर में अवैध दवाइयों का कारोबार हो रहा है तो छापेमार कार्रवाई की गई, जहां भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की हैं, हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में इनफॉर्मल की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस ने घर से लाखों रुपए की अवैध दवाई बरामद की है। हालांकि इस कार्रवाई से पहले आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। जो मकान आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह मकान मंसूरी के फीकाबाद में है। पुलिस के इन्फॉर्मर के द्वारा लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि एक घर में अवैध तरीके से दवाइयों का स्टॉक कई जगह सप्लाई किया जाता है। सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की और फिलहाल पूरी दवाई का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। डॉक्टर का कहना है कि जांच के दौरान यह पता चलेगा कि दवाइयों की गुणवत्ता सही है कि नहीं, और उस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। सर, कुछ दासना में कुछ दवाइयाँ पकड़ी गई हैं, कैसी दवाइयाँ हैं और किस तरह सूचना मिली, कितनी कीमत की दवाइयाँ होंगी? हाँ, दासना में सूचना मिली, वहाँ पे कुछ दवाएं अवैध रूप से रख रही हैं और अवैध रूप से मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा है। इसके क्रम में मैं वीरेंद्र कुमार सहायक आयुक्त औषधि और मैं अपने अधीनस्थ श्री अनुरोध कुमार और श्री निर्देश गाजियाबाद को निर्देशित किया कि वहाँ पर तत्काल पहुँचे, और फिर बाद में मैं पहुँचा हूँ। पहुँचने के बाद वो उस मकान में मकान मालिक जो है वहाँ पे हारून मिले, हारून के मकान पे कुछ दवाएँ प्राप्त हुई जो कि लगभग 40 प्रकार की दवाएँ हैं और उसका मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए है। जी जी। और उनके पास कोई मौके पर लाइसेंस नहीं दिखाया गया। जी जी। अवैध रूप से भंडारित पा गई, जिनको सीज कर लिया गया 16 पे। जी। और उसमें से 4 प्रकार की औषधियों के नमूने एकत्र जाँच भेजे जा रहे हैं जो कि नकली होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और हारून से पूछने पर ये दवाएं आपके पास कहां से आई, उन्होंने यह अवगत कराया कि सद्दाम पोस्ट ऑफिस बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उनकी दवाएं हैं और मेरे मकान में रखी हुई पाई गई। तो मौके पर उपस्थित हारून से ही हम लोग बरामद करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। फिर विवेचना के अंतर्गत विवेचना करने पर सद्दाम को तक पहुँचा जाए, पहुँचने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और सीज करते हुए और नियमानुसार अगली कार्रवाई के लिए कंप्लेन ले जाएगी। गाजिया